जानवर के हद तक खतरनाक हो सकती है। ये बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं। अपनी इसी जानकारी के चलते आमतौर पर हम जानवरों से दूरी बनाकर चलना बेहतर समझते हैं, लेकिन कई बार हम इंसानों की गलतियों या फिर जानवरों में बेवजह चढ़ी सनक के चलते ये हमारी बैंड बजाने पर उतर आते हैं। जंगली जानवरों और इंसानों से जुड़े कुछ इसी प्रकार के वाक्य दिखाने के लिए डीप इंफो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 5 पार्ट्स बनाए। आज एक बार फिर से आपके प्यार सपोर्ट और पार्ट 6 की डिमांड को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर्स वीडियो का पार्ट 6। हाल ही में 5 जुलाई 2021 के दिन ओडिशा के भुवनेश्वर से वायरल हुई एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल भुवनेश्वर के रहने वाले एक परिवार ने अपने टॉयलेट से कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें सुनकर जब मकान मालिक ने टॉयलेट में चेक किया तो वहां उसे टॉयलेट सीट में 4 फुट लंबा मॉनिटर लिजर्ड घुसा हुआ देखने को मिला। अब इतनी बड़ी छिपकली को जीवन में पहली बार देख पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और उन्होंने सांस में गेट बंद कर दिया कि ये जैसे खिड़की से घुसकर अंदर आया था वैसे ही वापस भी चला जाएगा। लेकिन 5 दिन बीत गए, मॉनिटर लिजर्ड वहीं पर बैठा रहा। अंततः परिवार के लोगों ने राजीव सुतार नामक एक रेस्क्यूअर को बुलाया और मॉनिटर लिजर्ड से निजात पाई। इसी प्रकार थाईलैंड में किसी जगह पर भी नवंबर 2017 के दौरान अपने बाथरूम में नहाने गए व्यक्ति को बाथरूम की टंकी में मॉनिटर लिजर्ड देखने को मिला। ये महाशय मॉनिटर लिजर्ड को देख आधे कपड़ों में ही भाग खड़े हुए और तब तक कपड़े नहीं पहने जब तक कि रेस्क्यूअर्स की टीम ने आकर मॉनिटर लिजर्ड को बाहर न निकाल लिया हो। मार्च 2019 के दौरान गुजरात के आनंद जिले में स्थित सोजित्रा तालुका में रहने वाले बाबू भाई परमार नामक एक 30 वर्षीय किसान अपने घर में खाट पर सो रहे थे। इस दौरान कमरे में कुछ आवाजें सुनकर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने आवाज के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हुए खाट के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। बाबू भाई की खाट के तले 8 फुट लंबा विशालकाय मगरमच्छ आराम फरमा रहा था। वैसे हालात में इंसान की हालत पतली होना तो लाजमी था। बाबू भाई ने मगरमच्छ को देखते ही तुरंत दौड़ लगाई और मदद के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को संपर्क किया, जिसके कुछ ही देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक मगरमच्छ गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित मालाताज झील से निकलकर यहां पर आ दमका। अक्टूबर 2012 के दौरान इंग्लैंड के लंदन में स्थित बुशी पार्क में घूमने गए एक व्यक्ति के पीछे विशालकाय सिंहों वाला हिरण पड़ गया और हमला करने की कोशिश में जुट गया। व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिए कुछ था तो बस एक लकड़ी से बनी कमजोर दीवार, जिसके बाहर घूमते हुए जनाब हिरण के साथ लुका छुपी खेलने लगे। गनीमत रही कि कुछ ही देर हिरण को चकाने के बाद इस शख्स को पेड़ पर चढ़ने का मौका मिल गया और उसने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सितंबर 2019 के दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रहने वाली एक महिला को अपने किचन में विशालकाय और मोटा ताजा अजगर देखने को मिला। महिला ने बताया कि अजगर ने उसके किचन में पहुंचने के तुरंत बाद कुछ उगलना शुरू किया और वो घबराई हुई छिपकर उसे लगातार देख रही थी। जानकर हैरत हुई कि महिला के देखते ही देखते अजगर के पेट से एक 4 फुट लंबा जिंदा मॉनिटर लिजर्ड निकला, जिसे अजगर ने साबुत निकला हुआ था। ये देख महिला ने सोमजीत कसुलोंग नामक एक 35 वर्षीय स्नेक रेस्क्यूअर को बुलवाया और मॉनिटर लिजर्ड दोनों को भी सुरक्षित पकड़ा और महिला के घर से बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद रेस्क्यूअर सोमजीत ने बताया कि वो 10 साल से ही काम कर रहा है, लेकिन ऐसा खौफनाक नजारा उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अगस्त 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित खंडिया गांव में एक लंगूर 160 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ तो गया, लेकिन वापस नीचे उतरते समय खंभे पर मौजूद रस्सी में फंस गया और ऊपर ही अटक गया। बंदर खंभे पर चढ़ा हुआ लगभग 3 दिन तक इसी तरह से फंसा रहा। 3 दिन बाद गाँव के लोगों ने रेस्क्यूअर्स की टीम को मौके पर बुलाया और बंदर के फंसा होने की बात कही, जिसके बाद 3 रेस्क्यूअर्स बंदर को उतारने खंभे पर पहुंचे और उसके गले में फंसी रस्सी को काटा। इसके बाद जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंदर रस्सी से आजाद होने के बाद रेस्क्यूअर्स के पास नहीं आया, बल्कि वो खंभे की ओर ऊपर चला गया और लगभग 160 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे कूद गया। इस दौरान बंदर को जरा भी चोट नहीं आई और वो कूदकर सीधा अपने रास्ते भाग गया। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब एक व्यक्ति अपनी नौका पर मछलियां पकड़ने निकला था, लेकिन नदी में कुछ ही दूर चलने के बाद जनाब को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि मानो साक्षात यमराज ही सामने आ गए हों। हुआ यूं कि नदी में कुछ ही दूर चलने के बाद इन जनाब के सामने सैकड़ों मगरमच्छों का एक झुंड आ जाता है। अब ऐसे हालात में इंसान को हार्ट अटैक तो क्या, हार्ट मुंह में आ जाए तो भी अतिशोक्ति नहीं कहा जाएगा। खैर ये जनाब तो खुशकिस्मत थे जिसके चलते इतने सारे मगरमच्छों से घिरने के बाद भी सुरक्षित बच निकले। ये वाक्या उस समय देखने को मिला जब हाल ही में जुलाई 2021 के दौरान राज चिन्नस्वामी और अरुण नामक दो व्यक्ति अपने गाइड के साथ साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में घूमने गए, लेकिन रास्ते में सड़क पर एक अजगर को देख उन्होंने अपनी कार रोकी और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे कि तभी पाइथन पास से गुजर रही एक कार पर छलांग लगाता है और राज और अरुण की कार के नीचे जाकर गायब हो जाता है। लोगों ने कार को पीछे करके खूब ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन उन्हें सांप वापस नहीं दिखाई दिया। काफी समय तक छानबीन के बाद जब अंततः उन्होंने अपनी सफारी जीप का बोनट खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बोनट खोलते ही उन्होंने देखा कि वो अजगर कार के नीचे से होते हुए इंजन तक पहुंच गया है। खैर गनीमत रही कि उनके साथ एक स्नेक एक्सपर्ट भी था जिसने अजगर को पकड़ा और गाड़ी से उतार कर सुरक्षित बच निकले। खैर आपकी बाइक या कार में इस तरह से सांप घुसकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वाकया वो समय देखने को मिला जब मई 2021 के दौरान थाईलैंड के नॉन ताबूरी में बारिश के दौरान एक स्टोर में 4 फुट लंबा विशालकाय मॉनिटर लिजर्ड घुस गया। वैसे अनोखे ग्राहक को देख दुकान में उसका मालिक स्वागत तो नहीं कर पाया, लेकिन जान बचाने के लिए कुर्सी पर जरूर चढ़ गया। स्टोर मालिक ने कुर्सी पर चढ़ तुरंत रेस्क्यूअर्स को कॉल लगा दिया, लेकिन जब तक रेस्क्यूअर्स की टीम मौके पर पहुंची और मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ा तब तक उसने स्टोर में काफी सामान इधर उधर कर दिया था। लेकिन गनीमत रही कि उसने स्टोर मालिक पर किसी भी प्रकार का हमला करने की कोशिश नहीं की। दिसंबर 2020 के दौरान डिकेन मचेना नामक एक 27 वर्षीय फोटोग्राफर केनिया के मसाई मारा गेम रिजर्व में घूमने गया, लेकिन इस दौरान एक जिराफ ने उनकी सफारी जीप का पीछा करना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि जिराफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ दौड़ सकती है, लेकिन फोटोग्राफर डिकेन की सफारी जीप के लिए खराब रास्तों में इतनी रफ्तार में दौड़ पाना मुश्किल था। ऐसे में जिराफ ने कुछ ही दूर पीछा करने के बाद उनकी कार के आगे आकर उन्हें रुकवा लिया। अब ऐसे हालात में जरा सोचिए कि जीप के सबसे आगे बैठे गाइड की कैसी हालत रही होगी। जनाब ने शायद आज मौत के सबसे करीबी दर्शन किए थे, क्योंकि एक वयस्क जिराफ गुस्से में शेर तक को मार सकता है, फिर इंसान क्या बड़ी चीज है। लेकिन गनीमत रही कि जिराफ ने उन्हें रुकवाने के बाद हमला नहीं किया और धीरे धीरे शांत हो गया, जिसके चलते डिकेन और उनकी टीम को सुरक्षित भाग निकलने का मौका मिल गया। हाल ही में 11 जुलाई 2021 के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ताहो झील के किनारे बने बीच पर यह वाकया देखने को मिला। वायोंग के पास में मौजूद जंगल से निकलकर एक भालू का परिवार बीच पर पहुंच गया। अब भालू जैसे खतरनाक और जानलेवा जीव को देख बीच पर घूमने आए लोगों की हालत पतली होना शुरू हो गई और लोग अपने साधु सामान को छोड़ तुरंत भाग निकले। गनीमत रही कि भालू ने किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चुपचाप वापस जंगल में चला गया। आमतौर पर जब हम टॉयलेट करने जाते हैं और टॉयलेट में एक भी छिपकली दिख जाए तो हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती कि हम एक सेकंड भी अंदर रुक पाए, लेकिन क्या हो अगर आप अपने टॉयलेट का दरवाजा खोलें और आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिले। खैर आशा करते हैं आपके साथ कभी ऐसा ना हो, मगर दुर्भाग्य से अगर आपको ऐसा नज़ारा दिख जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। वाकया उस समय देखने को मिला जब अप्रैल 2018 के दौरान बिहार के जमुई जिले में स्थित पुलिस स्टेशन के पास से एक आवारा सांड ने पुलिस SHO की गाड़ी को रोक दिया। सांड के ऐसा करने की पीछे की वजह तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन सांड इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी भी हालत में गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहा था। लगातार गाड़ी को धक्का लगाकर पीछे धकेल रहा था। जीप ड्राइवर ने गाड़ी को हल्का आगे बढ़ाकर कई बार सांड को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सांड पीछे नहीं हटा। अंततः अंदर बैठे SHO साहब को ही गाड़ी छोड़कर पुलिस स्टेशन में वापस जाना पड़ा। इसके लगभग आधे घंटे बाद खुशकिस्मती से बरसात आई, जिसके चलते सांड का गुस्सा शांत हुआ और तब जाकर उसने जीप का पीछा छोड़ा। एनिमल इनकाउंटर्स के पिछले पार्ट में हमने आपको दिखाया कि वडोदरा शहर की राजस्थम सोसाइटी में अगस्त 2019 के दौरान आई बाढ़ के दौरान शहर में मगरमच्छ देखने को मिला। उसी दौरान वडोदरा के कई अन्य इलाकों में भी मगरमच्छ देखने की घटनाएं सामने आई, जिन्हें हम पिछली वीडियो में आपको नहीं दिखा पाए। एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन GSPCA और WSOS के अधिकारी राज भावसर द्वारा दी गई रिपोर्ट में पता चला कि उस दौरान राजस्थम सोसाइटी के अलावा करेली बोग में स्थित जलराम नगर झुग्गी बस्ती और शहर के कई अन्य इलाकों में 52 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें लोगों ने मगरमच्छों को देखे जाने की बात कही। दरअसल मगरमच्छ पासे से गुजरने वाली विश्वामती नदी का बहाव बढ़ने के चलते उसे निकलकर शहर में घुस गए थे, लेकिन गनीमत रही कि इतने मगरमच्छ शहर में घुसने के बाद भी किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब जो सीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डायनासोर वाली मूवी जुरासिक पार्क से लिया हुआ सीन है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई डायनासोर्स नहीं है। दरअसल ये एक जंगल का सीन है जहां मॉनिटर लिजर्ड्स बहुतायत में पाए जाते हैं और ये जो डायनासोर्स की तरह दौड़ रहे हैं वो असल में मॉनिटर लिजर्ड्स हैं। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जो घाट पर नहाते हुए लंबी लंबी फेंक रही थी कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन तभी उसका टेस्ट लेने नदी में मौजूद मछली पहुंच जाती है। इतनी देर जो लड़की लंबी लंबी डेंगे हाँक रही थी वहीं लड़की मछली देखकर रोना शुरू हो गई। आमतौर पर तालाबों के पास रहने वाले सारस को मगरमच्छ से डर लगता है, लेकिन जून 2021 के दौरान फ्लोरिडा के सेंट क्लाउड की रहने वाली मैलरी नेपच्यून नाम की एक महिला ने देखा कि 3 सारस का एक झुंड तालाब से बाहर आए मगरमच्छ के बच्चे को कुछ इस तरह से घेरने लगा कि मानो उसे अपने एरिया से वापस चले जाने को कह रहे हैं। इतने सारस के बीच घेरा देख मगरमच्छ का बच्चा घबरा गया और वापस तालाब की तरफ दौड़ लगा। खैर आज सारस के इस झुंड ने वयस्क मगरमच्छ से न सही, उन
के बच्चे से तो बदला ले ही लिया। जनवरी 2019 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक में स्थित सावरगढ़ नगर में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया और उत्पात मचाने लगा। अब कॉलोनी में तेंदुए की खबर सुनकर हर किसी के मन में खौफ था, जिसके चलते लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को खबर दी और एक टीम मौके पर पहुंची। जानकर हैरत हो गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक घर में तेंदुआ छिपा होने की जानकारी मिली, जिसके चलते उन्होंने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा और अपने साथ ले गए। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जंगल में दिखे मॉनिटर लिजर्ड को फिल्माने के लिए कुछ ज्यादा ही करीब चला जाता है, जिसके चलते घबराए मॉनिटर लिजर्ड ने उस पर हमला करने की कोशिश शुरू कर दी। हिम्मत रही कि समय रहते ये शख्स उससे बचकर दूर भाग निकला और सुरक्षित बच गया। अब जरा इन चाइनीज मोहतरमा से भी मिल लीजिए, जो एक खुले टब में कैटरपिलर्स को रखकर दुकान तक लाती है, लेकिन इनमें से धीरे धीरे कई कैटरपिलर्स लड़की की पीठ पर चढ़ चुके थे। वो अपने शरीर पर इतने सारे कैटरपिलर्स देख महिला को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ और वो इन्हें उतारने में जुट गई। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक बेकाबू हाथी ने रिहायशी इलाके में उत्पात मचाई और एक बाइक को उछालकर गिराया। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 6 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।